सो फाइनली गाइस, आप लोगों के लिए एक मस्त सा और एक अमेजिंग ड्राइंग फोटो एडिटिंग कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। एंड ये वाला वीडियो आप लोग को 100% देखना चाहिए। अगर आप लोग ये वाला वीडियो देखेंगे तो आपको भी मज़ा आने वाला है गाइस, क्योंकि इस वीडियो में मैंने इस तरीके का फोटो एडिटिंग करके दिखाया जैसे कि लगेगा कि भाई आप लोगों ने ड्राइंग किया हुआ है। ठीक है, इस तरीके का अगर आप पोस्ट अगर अपने इंस्टाग्राम में अगर पोस्ट करते हो तो 100% कोई ना कोई आपसे पूछेगा एंड लाइक्स भी बहुत ज़रूर आएंगे। इसमें आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि भाई आपने इस तरीके का ड्राइंग कहाँ से सीखा, एंड उनको क्या पता भाई आप ये एडिटिंग करके छोड़ रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके का इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से ये फोटो एडिटिंग मैंने किया है। वीडियो पर नया हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे नए नए वीडियोज एडिटिंग से रिलेटेड मैं लाते रहता हूँ। तो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले आपको पिक्साइड एप्लीकेशन ओपन करना है, एंड पिक्साइड एप्लीकेशन ओपन करने के बाद इस वाले बैकग्राउंड को आपको ऐड कर लेना है, एंड टूल्स वाले ऑप्शन में जाके इसको हम क्रॉप कर लेंगे, एंड इसको हम प्रोट्रेट में करके यहाँ से डन कर देंगे। ये इंस्टाग्राम साइज होता है गाइस, इसको आपको प्रोट्रेट में करके क्रॉप कर देना है। एंड वापस हमें टूल्स वाले ऑप्शन में जाना है, यहाँ से रिसाइज में जाएंगे, एंड रिसाइज में हमको क्या करना है, यहाँ पर हमें 3000 डालना है, 3000 यहाँ पे डाल देंगे, एंड यहाँ से रिसाइज कर देंगे। इससे हमारा जो पिक्सल्स होगा थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, जिससे हमारा फ़ोटो फटेगा नहीं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ऐड वाले फ़ोटो में आना है। ऐड सेक्शन में आने के बाद हमें इस कैरी भाई को हमें ले लेना है, एंड इसको भी हम लोग क्रॉप कर लेंगे, प्रोडक्ट वाले में क्लिक करके एंड डन कर देंगे। इंस्टाग्राम साइज़ बन जाएगा, एंड इतना सा करने के बाद आपको इस पेज के ऊपर ऐसे एडजस्ट करना है, एंड एडजस्ट करके आपको क्या करना है, इसको ऑप्शन को फुल कर देंगे, एंड यहाँ से हमें इस वाले ऑप्शन में जाना है। एंड यहाँ से आपको क्या करना है गाइस, यहाँ से आपको ध्यान रहे आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो ओपन होना चाहिए। तो यहाँ से मैं डेटा को ओपन कर लेता हूँ अपने, तो यहाँ से डेटा को ओपन कर लिया है मैंने। डेटा ओपन करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट वाले ऑप्शन में जाना है, एंड इसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे होंगे, एंड इसमें आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट वाले पर्सन वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करके एंड ऑटोमेटिकली आपके बैकग्राउंड को ये इरेज कर देगा। देखिए, हमारे कैरे भाई का बैकग्राउंड इरेज कर दिया है, एंड इसमें इस वाले ऑप्शंस में ये होता है कि कभी कभी कभार मतलब छोड़ देता है, ठीक है, बैकग्राउंड को, तो हमें उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ से आप ड्रॉ इरेज वापस कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा रह गया, तो उसको मैं अच्छी तरीके से इरेज कर लूँगा यहाँ से। वाले पिक का हमने अच्छी तरीके से कर लिया बैकग्राउंड कटआउट, एंड इसको अच्छी तरीके से हम लोग इस पेज में एडजस्ट करेंगे। एंड यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इरेज वाले टूल में जाएंगे, एंड इरेज वाले ऑप्शन में आने के बाद इसके हार्डनेस को हम लोग कम कर देंगे 30 के आसपास। ठीक है, 30 के आसपास करके हम लोग कुछ फेड टाइप का ऐसे देंगे लुक की, हाँ लगे कि हम लोगों ने स्केच किया हुआ है। ठीक है, एंड इस तरीके से हम लोग फेड टाइप को और दे देंगे इरेज करके, यहाँ से हम लोग डन कर देंगे। तो इतना सा काम करने के बाद हमें आना है अब इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में, एंड इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे। इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से हमें इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में जाना है गाइस। इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में हम लोग क्लिक कर लेते हैं, एंड नॉइज़ वाले में आपको क्लिक करना है, एंड नॉइज़ को आपको थोड़ा इंक्रीज़ करना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, हम इसको इंक्रीज़ करेंगे 10-15 के आसपास इंक्रीज़ करके यहाँ से हम लोग इसको कर देंगे मर्ज, एंड ये आपको दिखाई दे रहा होगा मर्ज वाला ऑप्शन, एंड इसको क्लिक करके एंड हमें वापस एडिट करना है। एंड यहाँ से जाएंगे आर्टिस्टिक वाले ऑप्शन में, एंड इसको हमें कर देना ऑयल पेंट, एंड ऑयल पेंट को रखेंगे हम लोग 6.5 के आसपास, एंड इसको भी हम लोग कर देंगे मर्ज। एंड मर्ज करने के बाद एंड हमें आना है, अब हमें यहाँ से आएगा मैजिक वाले ऑप्शन में, एंड मैजिक वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको क्या करना है गाइस, ये स्केची ऑप्शन होगा, एक स्केची ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। थोड़ा टाइम ले सकता है, आपके नेट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब इतना सा करने के बाद एंड यहाँ से आपको क्या कर देना है, एंड सॉफ्ट लाइट में आपको कर देना है, एंड इसको फेड देंगे हल्का सा 40, देख लेते हैं कहाँ पे सही है, 40-50 के आसपास रख देंगे, एंड इसको हम कर देंगे यहाँ से डन। एंड इतना सा करने के बाद आपको यहाँ से आ जाना है एडजस्ट वाले ऑप्शन में,
एंड एडजस्ट वाले ऑप्शन में आने के बाद हमें क्या करना है, इसके सैचुरेशन को एकदम माइनस की तरफ ले जाना है, ब्लैक एंड वाइट कर देना पूरा, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट करने के बाद एंड जो हमारा ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस को थोड़ा सा हम लोग माइनस की तरफ ले आएंगे 48 के आसपास, एंड कॉन्ट्रास्ट जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको भी माइनस की तरफ लेंगे, ठीक है, जिससे हमारा डार्कनेस थोड़ा कम हो जाए। एंड इसको थोड़ा सा माइनस की तरफ लेंगे, माइनस क्या पूरा ही 100 माइनस या 46 के या 50 के आसपास रख देंगे। एंड इतना सा करने के बाद एंड हम हाईलाइट वाले ऑप्शन में आएंगे, एंड हाईलाइट को हम लोग कम करेंगे जिससे हमारा स्केची लुक आए थोड़ा सा अपने फ़ोटो में, जिससे फेक ना लगे। एंड शेडोज़ में भी आके ऐसी सेम टू सेम हमें क्या करना है, हमें इसको इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है। एंड शेडोज़ को हमें थोड़ा सा बढ़ा लेंगे जिससे हमारा जो पिक है थोड़ा सा हल्का हो जाए, पेज के हिसाब से एकदम सही बैठ जाए, ठीक है। एंड इतना सा करने के बाद तो यहाँ से आपको डन कर देना है। एंड डन करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ से, तो अरे बिगड़ गया, कोई बात नहीं, वापस हम लोग एडजस्ट कर लेंगे यहाँ से। तो अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ जैसे था पहले, वो होता रहता है कभी कभार एडिटिंग में मिस्टेक हो जाता है, तो गाइस अच्छी तरीके से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ वापस। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लिया है। एंड यहाँ से आपको जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन में, एंड इफेक्ट वाले ऑप्शन में अगर आपको लगता है कि आपके पिक में थोड़ा नॉइस कम है तो आप दोबारा नॉइस को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है नॉइस थोड़ा कम है पेज के हिसाब से, तो मैं इसको नॉइस को और थोड़ा इंक्रीज़ करूँगा, एंड इसे 20 के आसपास कर दूँगा एंड डन कर दूँगा। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ फोटो एडिटिंग हो चुका है हमारा। एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देंगे जिससे पेज से और ज़्यादा मैच हो जाए, क्योंकि पेज के हिसाब से ये ड्रॉ थोड़ा डार्क लग रहा है, तो इसको ओपेसिटी को हम लोग कम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डन कर देंगे, तो हमारा फ़ोटो हो गया अच्छी तरीके से रेडी। एंड हम लोग को क्या करना है गाइज यहाँ से, एंड यहाँ से अभी भी एक छोटा सा कमी है, वो कमी क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे कि हम लोग जो भी बंदे हैं जो ड्राइंग करते हैं या स्केच बनाते हैं, वो लोग अपने स्केच के नीचे अपना एक छोटा सा एक सैम्पल छोड़ते हैं कि भाई हम लोगों ने स्केच किया, जैसे एडिटर लोग अपना लोगो छोड़ते हैं वैसे ही लिखते हैं ये लोग, स्केच बाय मोहित, स्केच बाय राहुल, कुछ भी लिख सकते हैं। वैसे ही मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, स्केच बाय उत्तम। तो यहाँ से मैं डन कर देता हूँ। तो डन करने के बाद आप अपने हिसाब से यहाँ पर फाउंट चॉइस करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा फाउंट चॉइस करना है जो इस पिक के हिसाब से, इस ड्रॉ के हिसाब से मैच हो जाए, बिल्कुल फेक ना लगे, ऐसा ना लगे भाई अलग से भाई कि हम लोगों ने फाउंट मतलब पिक्सार्ट से या किसी से एडिट किया हुआ है। तो जल्दी से मैं यहाँ पे फाउंट देख लेता हूँ कौन सा मैच हो रहा है। तो ये वाला फाउंट थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो इस फाउंट का नाम है अनदर हैंड। तो इस वाले फाउंट को मैं यहाँ पे कोने में एडजस्ट करके अच्छी तरीके से लगा दूंगा। तो यहाँ पे मैं एडजस्ट करके यहाँ पे लगाता हूँ, तो यहाँ पे सही लग रहा है। एंड अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसमें क्लिक करना है फाउंट में, एंड इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देंगे, एंड ज़्यादा डार्क लगेगा तो फेक लगेगा, तो इसको ओपेसिटी को हम लोग कम कर देंगे। तो यहाँ से हमारा फोटो हो गया अच्छी तरीके से रेडी। एंड मैं आपको बता दूँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को जाकर भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे न्यू वीडियोज़ में लाते रहता हूँ एडिटिंग से रिलेटेड। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय गाइज़।